सी ये होती जाती, ज़्यादा अच्छी होती जाती है। तो जो आपका क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार था, साइक्लोब्यूटेन था एंड देर वॉज अ मिथाइल अटैच टू दैट एंड दिस वॉज द पॉजिटिव चार्ज। तो अब बच्चा बोलेगा सर ये ऑलरेडी टर्शरी कार्बोकेटायन है तो अभी इसको क्या करने का ज़रूरत है, तो अभी मैं क्या करेगा, अब ऑप्शन के हिसाब से तुमको काम करना था। अब मेरे को मालूम था उधर पे 3 डिग्री आई मीन तीनों 3 मेंबर रिंग दिया है तो वो तो बाय डिफॉल्ट होना नहीं है, बट अब जिसको पता नहीं है, जिस बच्चे को मालूम नहीं, तो वो क्या करेगा। देखो सबसे पहला काम यहाँ पे होगा, ये जो हाइड्रोजन है येलो वाला, इसका ये जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन रख रहा है, एक हाइड्राइड वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देगा। अब उसके पीछे का करने का रीज़न क्या है, मतलब ये कौन सा चीज़ है जो इसको प्रमोट कर रहा है, समझ में आ रहा है ये करने के लिए। तो सिंपल सा रीज़न है, स्टेबिलिटी। जब आप वहाँ से एक हाइड्राइड को शिफ्ट करा दोगे इस कार्बन के पास जिसको पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे एक एच लग जाएगा और ये हो जाएगा CH2 आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि आपने एच माइनस को यहाँ पे शिफ्ट करा दिया, दिस इज द हाइड्राइड शिफ्ट। अभी क्या होगा, अब जैसे ही इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आना, तभी वो सोच रहा है मेरे को इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। तो ये जो बॉन्ड है, मैं इसको रेड से दिखा रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड ले लो या उसके ऊपर जो है ये वाला बॉन्ड ले लो, कोई भी एक बॉन्ड जो है ना आप तोड़ के उधर शिफ्ट करा दो, ठीक है। तो यहाँ से ये रिंग खुल चुकी है, अब मैं इसको अगर नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4, अभी 1 और 4 के बीच में नहीं, ये CH2 आ जाएगा, कौन आ जाएगा, CH2, बिकॉज वो यहाँ से उड़ी मार के इधर कनेक्ट कर रहा है। तो आपने 5 मेंबर रिंग बना लेना है। अब नंबरिंग कर दो अपनी सहूलियत के लिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो 1 2 3 4। अच्छा आपने जो है 4 नंबर और 1 नंबर के बीच का बॉन्ड तोड़ा है और वो CH2 को लगाया है, तो जो बीच में आएगा वो CH2 हो जाएगा, मतलब ये CH2 है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को बताओ 4 नंबर वाले ने बनाया ना, मतलब बॉन्ड तो इसने बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसको कम हो रहा है, 1 नंबर वाले को कम हो रहा है। यस तो 1 नंबर को मैंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, पॉजिटिव समझ रहा है। तो चार्ज। ये आपका साइक्लो पेंटेन कार्बोकैटायन है, ये मैंने इसलिए बनाया बिकॉज दिस इज हैविंग द लेस स्ट्रेन, लेस स्ट्रेन, ठीक है। इसके अंदर जो है उतना तनाव नहीं रहेगा जितना बाकी सब 3 मेंबर्ड में या 4 मेंबर्ड में रहेगा, बिकॉज रिंग जितनी साइज में छोटी होती है ना उसके अंदर उतना, बोलते ना ये होता है, लॉजिकली सोचो ना, इफ कोई बड़े घर में रहता है तो उसको उतना ये नहीं होता है, मतलब रिपल्शन, रिपल्शन मतलब स्ट्रेन, एटम्स जो है एक दूसरे को टकराएंगे नहीं, एक दूसरे को धक्का नहीं मारेंगे, बिकॉज सबका अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो जब वो लोग दूर दूर जाएंगे तो उनका रिपल्शन, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है वो कम होने लगता है, तो उसकी वजह से उनका जो स्ट्रेन है ना वो भी कम होने लगता है। तो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं रिंग स्ट्रेन करके, बट लॉजिकली मैं थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यस सर, समझा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना मेंस में भी नहीं पूछे जाएंगे, ऑल द उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं सब एडवांस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अच्छा है इफ़ यू आर एबल टू गेट इट करेक्टली, अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर पहले जेई मेंस का सारे क्वेश्चन को ऑनेस्टली क्रैक करो, उसके बाद एडवांस पे जाओ। डायरेक्टली उस पर जंप करोगे तो क्या हो जाएगा, जेई मेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज आप उन बहुत हाई लेवल का करने जाते हैं और उसमें बेसिक बेसिक छूट जाता है, ठीक है ना। सर हाँ बोलिए। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना CH3MgBr ना, उसको कीटोन के साथ रिएक्ट किया है, मतलब साइक्लोहेक्सेन है जस्ट 1 मिनट, लेट मी राइट इट हियर। साइक्लोहेक्सेन है कि साइक्लोहेक्सेनोन है? सर ने, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बना, ऊपर वो 1 कार्बन है ना, उधर कीटोन दगा, कीटोन हाँ ठीक है, कीटोन आया हाँ कीटोन। हाँ ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन इसका नाम है। हाँ और ऑर्थो पोजिशन पे ना दोनों साइड में वो ओ ओ है, एथर जैसे, मतलब हाँ ओ ओ ओ ओ सर वैसा वो नहीं, मतलब दोनों बॉन्ड के बीच में ओ है, एथर कैसे रहता है वैसा। अच्छा ईस्टर, उसको उसको ईस्टर बोलते हैं। हाँ तो मतलब एटम में कितना, रिंग में कितना एटम है, 8, मतलब यू आर पुटिंग हियर ऑक्सीजन, बराबर ना, ऐसा कुछ ये बोल रहे तुम। यस, इधर भी वैसे ही है सर। ओ हाँ यस तो ये जो तुम 6 मेंबर रिंग बनाओगे तो 6 मेंबर रिंग में ऊपर की जगह पे आपको ये कर देना है, बराबर ना, यही ना। यस यस हाँ इसको उसको इसको सी एच थ्री ईस्टर एम जी बोलते बी हैं। आर हाँ एड तो किया तो, और H3O+ बाद में प्रोडक्ट क्या मिलेगा।
हाँ अल्कोहल मिलेगा, बट तेरे को इधर एक्सेस में लेना पड़ेगा जीआर, जीआर यू हैव टू टेक इन हाँ एक्सेस, ऐसा कुछ एक्सेस लिखा में है। दिया है, यस एक्सेस है। हाँ तो तुमको ये मिलेगा अपना अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं बता देता हूँ, देखो ये दो बार रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा देखो बताता हूँ मैं। इसका साथ मैंने एल्डिहाइड कीटोन का ही बताया था, जीआर के साथ में, इस्टर का साथ मैंने नहीं लिया था। चलो ज़रा देखो ध्यान से, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ बॉन्ड CH3, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज द इथेनॉइट, दिस इज द मिथाइल इथेनॉइट, आईयूपैक नेम लिख रहा हूँ मैं। अब ये करने के बाद मैं आपके डाउट उसके ऊपर जाऊंगा, थोड़ा ये इजी क्वेश्चन है। आप इसमें ऐड कर दीजिए R-MgBr जस्ट फॉर मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अल्काइल, मैंने यहाँ पे R- लिखा है, तो आपको पता है R- जो होता है वो सीधा भाई अटैक मारेगा किसके ऊपर, CO के C सी के के ऊपर, ऊपर और ये ऊपर सी जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी यस आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट दिस CH3 बॉन्ड सी ओ माइनस बॉन्ड R- बॉन्ड ओ CH3। अभी क्या होगा मालूम है, ये जो ओ निगेटिव है ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, अंदर ढकेलेगा, तो अंदर ढकेलेगा तो ये जो आपका मिथॉक्साइड आयन है ना, मिथॉक्साइड आयन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ऑल अल्काऑक्साइड आयन आर द गुड लिविंग ग्रुप, तो इसका इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से निकल लेगा, तो जब वो निकल लेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ R- प्लस CH3O-, दिस इज कॉल्ड एज अ मिथॉक्साइड आयन, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अब ये क्या बन जाएगा, आपने इसमें ऑलरेडी जो है अभी ये मिथॉक्साइड आयन बना, एंड देन दो अल्कोहल मिलता है यहाँ पे, अभी इसके ऊपर है ना फिर से तुम्हारा कौन काम करने आएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू फाइनली हाइड्रोलिसिस, आप इसमें हाइड्रोलिसिस भी मारोगे, बराबर है। यस तो हाइड्रोलिसिस मारोगे तो इसको एक एच मैं दे देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका मिथेनॉल। नाउ सी, अभी जो है यहाँ पर इसके ऊपर फिर से आपका जीआर काम करेगा, दैट इज R-MgBr, तो वही काम फिर से होगा, ये इधर जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा, अभी यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ऊपर जो ओ निगेटिव है ना उसको MgBr जाके अटैच हो जाएगा, एमजीबी CH3CO बॉन्ड MgBr बॉन्ड R-R-, तो अभी इसको वाटर ऐड करोगे तो इसको H मिलेगा, इसको OH मिलेगा, तो फाइनली यू आर यस लेफ्ट विद यस वॉट, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल यस तो ये बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको वो लोग ऐसे पूछते हैं, बट इसमें तुमको दोनों स्टेप लिखना पड़ेगा, और एक्सेस में आपको एस्टर ये लेना पड़ेगा जी आर, अगर एक्सेस में नहीं लोगे तो वो एक ही बार रिएक्ट करेगा, एक ही बार रिएक्ट करेगा तो वो कीटोन पे या इस पे एल्डिहाइड पे वो छोड़ देगा, आगे नहीं बढ़ेगा। नाउ आपका जो क्वेश्चन है उस पर मैं आता हूँ, करेक्ट। नाउ किसी ने कुछ तो बोला, तो रिएक्शन एक बार फिर से एक्सप्लेन करने का। हाँ अभी मैं ऊपर वाला उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें समझने का कोशिश करो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नाउ सी, इसको लैक्टोन भी बोलते हैं, जो ऊपर लिखा है ना उसको लैक्टोन भी बोला जाता है, एज वेल एज एस्टर ऑल्सो, एस्टर इज द नेम ऑफ फैमिली। सी यू हैव अ सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ, ठीक है, ये आपने ले लिया, और इसमें आपने ऐड कर दिया था CH3MgBr, सही बात है। यस तो सबसे पहला काम क्या होगा, CH3MgBr, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव अटैक यस मारेगा इसके ऊपर, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फाइनली इधर मिलेगा क्या मालूम है, वन अपने को ये मिलेगा, डायोल मिलेगा, 1.4 ब्यूटेन डायोल है, ठीक है। सी एक एक सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा और एक आपका प्राइमरी अल्कोहल रहेगा, जस्ट क्रैक करते हैं इसको पहले, तो आपको मिलेगा ये सी, ये हो जाएगा ओ निगेटिव, और नीचे वाला हो जाएगा CH3, और बाकी का सब वैसे का वैसे ही है, अभी इसका लोन पेयर आएगा, ठीक है। तो क्या करेगा ये, इसको मान लीजिए तोड़ के उसने इधर कर दिया, राइट साइड का सीओ टूट जाएगा ठीक है, तो जब वो ब्रेक करके इधर कर दिया, राइट का करो या लेफ्ट का करो, क्योंकि ये दोनों साइड से सेम ही बन रहा सिमेट्रिकली यस है, तो ये हो जाएगा आपका ओ नेगेटिव, एंड देन दिस इज ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है। अच्छा अभी क्या होगा भाई, फिर से वही चीज़ होगी, तो ये फिर से ये आप इसको इसको एच लगा दो, इसका काम तमाम कर देते हैं अपन, एच तो ये हो यस जाएगा OH, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ये OH हो गया,
अब आप क्या करोगे, ये जो दिया है ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस, ये अभी क्या, ये इस्टर है, दिस इज द इस्टर, बराबर है। अब जो काम ऊपर हो रहा था यस वही काम यहाँ पे भी होगा, तो आपका क्या होगा, सी एस थ्री माइनस एंट्री मारेगा, वो अटैक ऊपर करेगा इसके OH, ऊपर, नीचे हाँ CH3 आएगा। ये इधर जाएगा, फिर उसका इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, अपने को मालूम है यहाँ से ये ग्रुप टूटेगा ये निकल जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एसीटोन निकल गया, और ये वो नेगेटिव बन जाता है, ये हो जाएगा आपका फाइनली ये कंपाउंड, ये OH, ये वो नेगेटिव रहेगा। सबको समझ में आ रहा है ये स्टेप? सर नहीं समझे सर, यहाँ की ओके जिसने डाउट पूछा उसको समझ में आया। हाँ यस सर समझा अच्छा अभी इधर देखो, अभी ये जो सर। सी वो हाँ लास्ट वाला कार्बोनिल कंपाउंड मिला, फिर से उसका ऑक्सीडेशन होगा तो CH3। तेरे को देख, फाइनल इसमें तीन दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एक टर्शरी एल्कोहल मिलेगा और एक ये मिलेगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन बताओ, एक ये मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग, बिकॉज ये एसीटोन के ऊपर फिर से तुम्हारा जीआर हाँ काम सर करेगा। वो CH3 सी डबल बॉन्ड CH3 दिया है उसके अंदर। और एक ये रहेगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल रहेगा, और ये रहेगा, ये दो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। यस और नो, क्या दिया ऑप्शन में वो लोगों ने? सर दोनों दिए हैं, हाँ तो दोनों दोनों एक साथ दिया है कि दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिया है, दिस प्लस सर अलग दिस। अलग 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 है, ए और डी अलग अलग है। अच्छा तो ऐसा कुछ बोथ करके भी ऑप्शन है क्या? नहीं सर ऐसा कुछ दिया नहीं है। अच्छा तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट पूछा उसने, बराबर ना? यस ओके सो मतलब वो CH3O बाद में एक्स करके टर्शियल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स क्या आएगा ऐसा कुछ है। फिर से बोलो जरा। रिएक्शन है ना उसके बाद में एक्स करके लिखा है, और एक्स क्या आएगा मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा ऐसा कुछ है। टर्शरी अल्कोहल को अपन ये करेंगे क्योंकि उसने ऑप्शन में दोनों लिखा है, बराबर ना? हाँ यस हाँ तो आई विल गो विद द टर्शरी अल्कोहल, बिकॉज एसीटोन आपका यहाँ पे मिल रहा है एज अ सर वो ये। एसीटोन फिर से हो जाएगा, वो OH फिर से आएगा उसको ना, तो उस हाँ टर्शरी एसीटोन आएगा। मिलेगा, वो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल विल बी द प्रोडक्ट, यस यस सर ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सब अपन धीरे धीरे क्रैक कर दें, अभी सीधा अपन सीधा बोलते हैं ना मैच नहीं खेलते, पहले प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? गुड, तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। अभी जिसको नहीं समझा मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, नहीं समझेगा तो टेंशन मत लेना, पहले अपन फंडामेंटल क्लियर करेंगे फिर इसके ऊपर जाएंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन इसके लिए मैं कैसा है, जो भी पर्सनल डाउट्स है ना अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, तो मैं उधर वन टू वन सॉल्व करके भेज रहा हूँ, इसमें करूँगा तो कैसा है ना आधे लोगों को ऊपर से जाएगा, तो फिर भी कोशिश करो समझने का, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं समझेगा। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, ईस्टर प्लस जी आर, वेन एवर यू आर हैविंग ईस्टर, ईस्टर में जी आर आप ऐड करोगे ना, तो आप मान के चलो वो एल्कोहल ही देगा, आप हमेशा मान के चलो ईस्टर प्लस एल्डिहाइड सॉरी जी आर प्लस एल्डिहाइड 1 डिग्री, जी आर प्लस कीटोन 3 डिग्री, जी आर प्लस फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री, तो उसी प्रकार जब जी आर के अंदर जब ईस्टर मिक्स कर दोगे तो जी आर जो है आपको एक्सेस में लेना पड़ेगा, तो ये आपको हमेशा क्या देगा, पहले तो ये कीटोन बना के देगा, अब उस कीटोन के ऊपर फिर से जीआर काम करेगा और आपको मिल जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, तब ये कैसे रिएक्शन जा रहा है वो यहाँ पे मैंने समझाने का कोशिश किया है। देखो ये जो आपका इसको लैक्टोन भी बोलते हैं, लैक्टोन कहीं कहीं पे लैक्टोन दिख जाएगा तो बोलना मैं सर ये क्या लैक्टोन तो सुना नहीं, साइक्लिक इस्टर को लैक्टोन बोला जाता है बेसिकली, साइक्लिक इस्टर को क्या बोलते हैं, लैक्टोन। अच्छा अभी क्या हो रहा है कि ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रीजन का आर है उसको भाई नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अभी वो सोच रहा है मेरे को पॉजिटिव सेंटर मिले मैं वहाँ पे अटैक मार दूँ, तो भाई ये जो है यहाँ से अटैक मारता है इसके ऊपर, और ये जो पाई बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो जैसे ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर रहा है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर कुछ मिलेगा, समझ में आ रही बात? मिथाइल कनेक्ट कर दिया इस ऑक्सीजन को, मिथाइल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया कार्बन को, और ये मिथाइल यहाँ ज्वाइन कर चुका है, और वो पाई बॉन्ड मैंने ऊपर कर दिया तो ऑक्सीजन को आ गया चार्ज। अब क्या होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो गया तो वो क्या करेगा भाई, वो धक्का मारेगा इलेक्ट्रॉन, तो जब यहाँ पे पुल एंड पुश होता है मतलब मैं किसी को धक्का मारूंगा तो बट ऑब्वियसली कोई बाहर ही निकलेगा, अब धक्का मारने का ज़रूरत क्या है, मेरे पास किसी कोई उसकी लिमिट ज़्यादा हो चुकी है, कोई भी चीज़ ज़्यादा ज़्यादा से ज़रूरत खा लोगे तो उल्टी कर दोगे, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये ओ माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये भाई इधर टूट के यहाँ चला जाएगा, तो दिस कार्बन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ तो आपको मिलेगा, देखो ये सब मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म आप सडनली सीख नहीं रहे, ये कैसा है, आप 11th में पढ़े हो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, 12th में भी पढ़ रहे हो धीरे धीरे, तो आपने किस बोलते ना कितने लेवल पे अंदर जाके उसके बारे में सोच रहे हो, उसका मतलब बोलते ना चिंतन कर रहे हो, तो वो आपको एक्सपर्ट बनाता है,
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू इसका 1% भी यूजेज नहीं है, लेकिन बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे तो जेई नीट और बोर्ड में कुछ फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो फंडामेंटल क्लियर करना है तो आपको सोचना पड़ेगा यार इसमें हो क्या रहा है। तो जैसे यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज आ गया, यू आर गोइंग टू ऐड अ प्रोटॉन, नाउ द प्रोटॉन इज कमिंग फ्रॉम वेयर, वी आर डूइंग द हाइड्रोलिसिस, H3O+, H3O+ आप ऐड कर रहे हो, तो इसमें से H लग जाएगा, ये बन जाएगा एल्कोहल। अब जो काम ऊपर चल रहा था वही काम इसके ऊपर चलेगा, इसके ऊपर भी वही काम चलेगा, तो फिर से वो अटैक मारेगा, ये ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, फिर उसका ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, दिख रहा है यहाँ पे, ये बॉन्ड टूट के यहाँ से आ जाएगा, फिर इसको वो नेगेटिव हो जाएगा, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद दिस, फाइनली आपको ये मिल जाएगा, दिस कंपाउंड यू आर लेफ्ट फाइनली, ठीक है। अब इसमें ओ नेगेटिव जो आया था उसको अपन लगा देंगे प्लस, तो वो बन जाएगा, मैंने पहले बोला ये 1.4 1.3 प्रोपेन डायोल प्लस एक और मिल रहा है, दैट इज एसीटोन, एसीटोन के ऊपर फिर से जीआर पिक्चर में आएगा, टर्शियरी एल्कोहल मिल जाएगा। सो दे वी आर गेटिंग द टू प्रोडक्ट हियर एंड वी आर गोइंग विद द फाइनल प्रोडक्ट एज अ टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, यस और नो? यस सर, यस सर। देखो धीरे धीरे समझोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, बट आपको जल्दी समझना है तो आप थोड़ा सा खुद से एनालिसिस करो, खुद से क्वेश्चंस लेकर आओ, खुद के क्वेश्चन के बारे में सोचो, तो आप थोड़ा सा दो कदम आगे चलोगे एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट। लेकिन पहले जो फंडामेंटल्स है, जो क्लास बुक का, नोटबुक का, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस का, वो थोरली करके लो, नहीं तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि डायरेक्टली गो ऑन द जेई एडवांस का क्वेश्चन एंड यू आर नॉट क्रैकिंग द जेई मेंस का क्वेश्चन। तो वो पहले क्रैक कर लो अच्छे से, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, तब आगे जाऊँ। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, कल जो मैंने स्टॉप किया था, आई गेस आई हैड स्टॉप एट द रिड्यूसिंग एजेंट, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। सी, हमारे पास दो तरह के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एक होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, अभी मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना के दे दूंगा, आपको उसको नोट डाउन करके लेना है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अभी मैं तीन चार लिस्ट बना, तीन चार रिएजेंट का नाम यहाँ पे लिख के दूंगा, और वहाँ पे मैं क्रैक ये भी लिख के दूंगा कि वो क्या बोलते हैं, किसको रिड्यूस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके पास दिया गया है एल्डिहाइड, आपके पास दिया गया है कीटोन, आपके पास दिया गया है ईस्टर, आपके पास दिया गया है एसिड, एंड यू आर हैविंग द एसिड क्लोराइड, ठीक है, अमाइड भी आ सकता है, और भी बहुत सारे हैं, साइनाइड भी आ सकता है, तो बट मेजोरिटी जो है वो मैं जरा बता रहा हूँ। अब अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ करते हो, जैसे कि आपके पास है क्या बोलते हैं, सबसे पहले लेते हैं LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर कोई ऐसे लिखा है ना इसको LAH ला करके लिखा, तो कन्फ्यूज मत हो ना, उसका फुल फॉर्म उसका शॉर्ट में उसने लिख के दिया है। एंड वी आर हैविंग हियर NaBH4, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, और हम लोग रेननिकल भी यूज कर सकते हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कंपेयर। देन आई कैन हैव पैलेडियम ओवर दी दिस कार्बन, एक होता है लिंडार कैटलिस्ट और एक होता है बर्च रिडक्शन। लिंडार कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन आपने अल्काइन चैप्टर में पढ़ा होगा, लिंडार कैटलिस्ट होता है वो सी सल्फेट लिक्विड है, नहीं वो बर्च रिडक्शन का कंडीशन है, सोडियम और लिथियम लिक्विड अमोनिया इज अ बर्च रिडक्शन का कंडीशन, एंड दैट ऑलवेज गिव यू द ट्रांस एल्कीन, ऑलवेज गिव यू द, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का खेला जाता है। माइक बंद कर दीजिए, इसका भी चालू है। दिस इज अ डिबल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाउ व्हेनेवर यू आर एडिंग द LAH इन द एल्डिहाइड कीटोन एसिड ईस्टर व्हाट एवर इट इज, वो आग बंद करके सबको रिड्यूस कर देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है कौन है सामने, तो इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। अभी NaBH4 का उतना कैपेसिटी है नहीं भाई, वो सामने वाले को दिखता है हाँ ये है कि एसिड है, चल भाई अपन नहीं कर पाएंगे, ये ईस्टर है अपन नहीं कर पाएंगे, अपनी कैपेसिटी के बाहर का चीज़ है। तो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा, कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा, एज आई टोल्ड यू ईस्टर और एसिड को टच नहीं कर पाएगा, तो नो रिडक्शन हियर। एसिड क्लोराइड को भी ये रिड्यूस कर देता है। रेननिकल भी भाई वो लिमिटेड है, वो एल्डिहाइड कीटोन को ही टच करेगा, बाकी किसी को टच भी नहीं कर पाएगा, ये जानना जरूरी है। अब सब बोलेंगे सबको रिड्यूस कर देगा, ऐसा नहीं है भाई, सबका अपना अपना लिमिटेशन है, कोई पावरफुल होता है, मतलब एक बोलते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर है। नाउ जस्ट वन मिनट, हु इज स्पीकिंग, लेट मी जस्ट म्यूट हिम। हाँ, अब पैलेडियम है, अब पैलेडियम जो है इसका भी अपना लिमिटेशन है भाई, एल्डिहाइड और कीटोन को ही टच करेगा, बाकी तो जो है उसके ऊपर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है,
नीचे का जो तीन है ईस्टर, मतलब वो उसको देखेगा भी, भाव भी नहीं मिलेगा उसको यहाँ पे। तो एटलीस्ट ये लोग कोशिश भी करते रहने निकल, और ये तो ट्राई भी करते बट हो नहीं पाता। पैलेडियम और ये तो है, ये एल्डिहाइड और कीटोन को देखेगा, बाकी लोगों का नो बोलते इफेक्ट एट ऑल। हाँ डिबल भी एक तरह से पावरफुल है भाई, जैसे आपका एलडीएच सबको काम तमाम कर देता वैसे डिबल भी सबको रिड्यूस कर देगा। तो खास करके दिमाग में ये रखना है NaBH4 और LiLH4 का। NaBH4 का पावर जो है वो एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करने का है, बाकी वो किसी और को नहीं कर सकता, भले वो एसिड हो, एस्टर हो, अमाइड हो, साइनाइड हो। ये लास्ट का फुल फॉर्म बताना, वो डीआई कल बताया था ना, डिबल डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यस सर समझा। DIBL डाइसोब्यूटाइल HBR क्या बोल रहे हो? HBR फिर से बोल बेटा। सर डिबल के बाजू में HBR, डिबल के बाजू में हाँ HB आता है। हाँ डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब होता है H माइनस, क्या होता है H माइनस, और H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो स्क्रीन पे लिखा है इसको जरा ईमानदारी से कॉपी कर लेना, इसके बारे में जरा दिमाग में फिट कर लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे रिडक्शन ही करना है, आगे बढ़ूँ? यस चलो। यस सर देखिए अभी जो है हमको यहाँ पर मैं इस्टर लूँगा और उसके अंदर ऐड कर दूंगा ये क्या बोलते हैं LH। तो वो कैसे काम करता है, उसका अपना क्या मैकेनिज्म है, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले लो, उसके सामने LH आएगा, उड़ा के उसको एल्कोहल बना देगा, ठीक है। सी इफ यू हैव अ इस्टर आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, अब आप इसमें ऐड कर रहे हो LiAlH4, तो हमारे पास चार हाइड्रोजन है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा H बॉन्ड H3LiAl। तो क्या होगा यहाँ से H माइनस पूरा का पूरा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा भाई इसके पास, मतलब हाइड्रोजन विल गो विद एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज H माइनस, दैट इज अ H माइनस। तो ये इधर जाएगा और वही टाइम पे जो ऑक्सीजन है ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। मैकेनिज्म जब जानना है, एक्सपेक्टेड नहीं है, R bond C bond O minus bond O R dash bond H। अभी क्या होगा, ये भाई इलेक्ट्रॉन अंदर लेकर आएगा, अब अपने को पहले से मालूम है अल्कोक्साइड आयन्स आर द गुड लिविंग ग्रुप, जो अल्कोक्साइड आयन्स होते हैं वो लोग यहाँ से O R dash कल्टी मार लेगा। तो क्या मिल गया, R bond C double bond O H, सही बात है, LDH मिल गया। अब इस LDH के ऊपर फिर से LH आएगा, अटैक मारेगा, मतलब अगर आप एल्डिहाइड से स्टार्ट करोगे, कीटोन से स्टार्ट करोगे, तो आपका रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा सेकंड स्टेप से। अभी फिर से यहाँ पे एक H माइनस आएगा, ये H माइनस LH से आ रहा है, ये भाई इधर अटैक मारा और ये भाई ऊपर चला गया। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज दिस R बॉन्ड C O, अब ये जो O नेगेटिव आएगा ना, इस O नेगेटिव को ये जो आपका ये वाला हिस्सा है ना, ये H माइनस यहाँ से निकलेगा, तो सामने वाले को चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव, तो वो उधर आके चिपक जाएगा AlH3, और ये आपका H रहेगा, और नीचे से कौन एंट्री मार रही है, H माइनस H, ठीक है H हो गया वो। अब क्या करना है आपको, यू विल जस्ट डू द हाइड्रोलिसिस, तो आप जैसे ही यहाँ पर ऐड करोगे एच ओ एच, तो आप क्या करेंगे इधर से इसको H दे देंगे, तो ये भाई क्या बन गया, R बॉन्ड C बॉन्ड ओ एच, और नीचे इधर H H है, तो ये क्या बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज द प्राइमरी अल्कोहल, बस समझ में आ गया। देखो ये इसमें दो चीज़ें मैंने एक साथ लिख दी है, मतलब दो चीज़ें एक साथ लिखने का मतलब क्या, मैंने इस्टर वाला भी लिख दिया है और आपका ये भी लिख दिया है, किसका दिस क्या बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का भी, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में जो LiLH4 है वो टूट रहा है, टूट के क्या बना रहा है H माइनस, और आपका H3LiAl ये पूरा का पूरा क्या बन गया प्लस, बात समझ में आ रही है ये, यस सर नो, हाँ। तो अब इसके ऊपर जब इसने ऐड किया ये H माइनस जो है एंट्री मारा इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, तो उसी टाइम पे क्या होता है आपका कौन ऊपर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन, हाँ बहुत बढ़िया।
तो इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन को आ गया नेगेटिव चार्ज, जैसे ही ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज आ गया अभी वो क्या करेगा, ढकलेगा अंदर से, हाँ, पुश करेगा। तो जैसे ये पुश करेगा तो ये ओ आर को निकलना पड़ेगा, तो ये निकल गया तो अपने को क्या मिल गया फाइनली, एल्डिहाइड। हाँ एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे H की जगह पे R होता तो वो कीटोन मिलता, क्या मिलता अपने को, कीटोन मिलता। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं तो फिर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा तो अभी क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, इस कीटोन के ऊपर फिर से पिक्चर में आ रहा है कौन आपका, LiLH4। तो अभी ये जो है फिर से एक प्रोटॉन देगा, ये देगा हाइड्राइड देगा, तो ये H- इधर एंट्री मारा ये ऊपर जाता है, तो जैसे वो ऊपर जाएगा वो नेगेटिव रहेगा, तो कहेंगे पे कैसा है ना कि इसको AlH3 और ये लिथियम प्लस उसके बगल में रहता है, दोनों ज्वाइंट हो गए। अब क्या होगा जब आप इसके ऊपर ऐड करोगे वाटर, दैट इज H एंड OH, तो ये प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा प्लस विल गो विद द ऑक्सीजन, और ये OH- जो है वो अपना निकल लेगा। तो फाइनली अपने को जो इसमें साइड में मिलता है ना, साइड में मिलता है लिथियम प्लस एंड एल्यूमिनियम प्लस 3 का, ये भी आप लिख लो साइड में, लिथियम प्लस और Al प्लस 3 एज अ सॉल्ट आपको मिल जाता है। तो अपने को मतलब इससे प्रोडक्ट से, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपका प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। जस्ट फोकस ये करना, अभी किसी ने मेरे को एक और चीज़ पूछी थी, क्वेश्चन याद आ गया मेरे को, उसमें C14 का कुछ तो पूछा था किसी ने, क्या बोलते हैं C14 और O2 था, तो जब आप ये लेते हो ईस्टर था कि क्या था क्वेश्चन, जस्ट वन मिनट लेट मी सी, किसने पूछा था, मैंने कल रात को ही भेजा वो, जस्ट वन मिनट, हाँ हमारे पास क्या था, साइक्लोहेक्सेन ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन था, ये वाला सभी को समझा कि नहीं समझा, हाउ इट इज वर्किंग, यस सर, यस, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैकेनिज्म हमारे को बोर्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं 3 बार बताऊंगा। अब ये जो है ये खाली इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों को समझ में आना चाहिए कि भाई LiLH4 NaBH4 काम कैसे करता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता दिया है। अच्छा एक क्वेश्चन जो था पूछा था मेरे को, साइक्लोहेक्सेन था उसके ऊपर आपने लगा दिया BR, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन है, अब इसके अंदर आप ऐड कर रहे हो Mg मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो भाई ये जो है बना देगा RMgX, दैट इज साइक्लोहेक्सेन ट्रिग्नार्ड रिएजेंट। तुमने पूछा था क्या ये क्वेश्चन, हाँ सर, ना, तो मिला इसका आंसर, यस सर। तो बेसिकली जो है ड्राई आइस सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ये क्वेश्चन अभी तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है, जब तुम पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड देन यू विल गेट इट, GR प्लस ड्राई आइस और सॉलिड CO2। आप देखोगे उधर जाओगे ना नेचुरल आइसक्रीम वाले के पास, तो वो लोग पैकिंग करके देते हैं ना आइसक्रीम, बिकॉज दे डोंट पुट अ नॉर्मल आइस, नॉर्मल आइस डालेंगे तो पिघलेगा तो पानी निकलेगा, तो वो लोग क्या देते हैं, ड्राई आइस देते हैं, ड्राई आइस देते, यस। तो उसको पानी में डालोगे तो फ्यूम्स निकलता है, ऐसा लगता है आग लगी है सब, ठीक है। तो ये जो है रिएक्ट करके बना लेगा, अभी देखो C डबल बॉन्डो ये 14 वाला आइसोटोप है कार्बन, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज रखेगा, तो ये भाई अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको फाइनली ये मिलेगा O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अच्छा आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे फिर यहाँ पे, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर OH आएगा, हाँ मतलब यू आर गेटिंग साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सी डबल बॉन्ड O OH। अच्छा अब इसके ऊपर आप क्या ऐड कर रहे हो, बेस ऐड कर रहे हो, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। तो आपको मालूम है ना बेस क्या करता है, वो एसिड से H निकालता है, एसिड से क्या निकालता है, H निकालेगा, तो ये यहाँ से सोडियम बन जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ONa। तो ये जो C14 है ना, C14 इसके पास ही है, तो जो CO2 गैस निकलेगा ना वो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है, वो सोडा जब डालते हो आप लोग तो वो सोडा जो है उसके अंदर से वो CO2 गैस निकाल देता है और आपका H2O, बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो CO2 गैस निकल रही है वो कौन सा कार्बन वाला आइसोटोप उसके अंदर रहेगा, तो वो CO2 वाला रहेगा, वो C14 वाला नहीं रहेगा, बराबर है सर। लास्ट स्टेप बताओ ना फिर से, कैसे NaHCO3 के बाद में ये सोडा जब आप ऐड करोगे ना, ये क्या मालूम है, ये बेस है, क्या है, बेस है, बेस है, तो बेस का काम क्या होता है, एसिड से प्रोटॉन निकालेगा, हाँ, तो यहाँ से क्या करेगा ना भाई, ये H निकाल लेगा, तो उसकी जगह पे कौन चला जाएगा,
एन ए चला जाएगा। ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, क्या है मालूम है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट ये कोई अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जब आप इसके अंदर ऐड कर रहे हो तो ये यहाँ से एच निकाल के उसकी जगह पे एन ए आ जाएगा, तो प्रोडक्ट तो यही मिला। अब जो बाकी बच रहा है आपका एच सी ओ थ्री, ठीक है, आपका ये बोलते हैं कार्बोनेट। तो ये जो कार्बोनेट है इसका भाई हो जाएगा डिकम्पोजिशन, ये दे देगा वाटर एंड सी ओ टू, वाटर एंड सी ओ टू। तो ये तो मतलब क्वेश्चन आप बड़ा देख के लगता है कुछ तो इसमें है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे जो कि खाली 6-7 लाइन के क्वेश्चन हैं, बट स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा 2-3 कंसेप्ट लग रहा है। चलो तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट का। अब मैंने अल्काइल हैलाइड से करा दिया था, मैंने एल्डिहाइड कीटोन से करा दिया था, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करवा के करवा दिया था, और फिर बाद में मैंने कौन कौन सा मेथड लिया था प्रिपरेशन के लिए बताइए फटाफट। अल्काइल हैलाइड विद एन एक्वियस KOH हो चुका है, एल्डिहाइड कीटोन प्लस GR हो चुका है, एल्डिहाइड कीटोन प्लस रिड्यूसिंग एजेंट लाइक रेनेनिकल, हाइड्रोजन गैस, LAH, NaBH4, LiLH4, यही। इसके अलावा और कुछ कवर किया गया मैंने? H2 गैस विद कॉपर मेटल चालू करने के, कॉपर मेटल, H2 गैस विद कॉपर मेटल। ओके ठीक है, ओके और कुछ है इसमें? वही है, उसके अंदर भी वही करने का, खाली रिएक्शन लिखने का, जस्ट आपको हाइड्रोजन गैस और कॉपर मेटल लिख देना है, लाइक CH3 बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अभी हाइड्रोजन गैस लिख रहे हो तो अब इसके ऊपर क्या कर दो, कॉपर लिख दो, एंड यू विल पास हियर हाई प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो अभी एक एच नीचे वाले को देना, एक एच ऊपर वाले को देना, ख़त्म। हाइड्रोजन गैस आके चिपकती है और ये हाइड्रोजन गैस को ले जाके इधर चिपका देता है, क्योंकि कैसा हाइड्रोजन गैस है ना, उसको ले जाने के लिए ये चाहिए, मतलब कोई मीडिएटर होना चाहिए जो उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचाए, तो कॉपर मेटल जो है वो उधर पहुंचा देता है, ठीक है। इसका अपना मैकेनिज्म, ये सब कैटालिटिक रिएक्शन है, तो कैटालिटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रिडिक्ट करना बहुत चैलेंजिंग रहता है, ठीक है। तो आई कैन नॉट से हियर इट इज हैपनिंग द फ्री रेडिकल रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक और समथिंग, बट इतना पता है कि हाइड्रोजन गैस को कॉपर मेटल अपने ऊपर चिपकाता है, मतलब एज अ जैसे मेरे को CST ले जाना है तो मेरे को, मैं खुद नहीं जा पाता तो मेरे को कोई गाड़ी में बिठा के लेके जाएगा, तो गाड़ी में बिठा के लेके जाने का मतलब जो कॉपर मेटल उसका काम एक ही है, भाई तू इधर जा और फिर मैं निकल लूँगा एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अब वो कैसे पहुँचा रहा है उसको वो पता नहीं अपने को, खाली उसका काम है उधर पर सोर्स तक पहुँचाने का। नाउ आफ्टर दिस अब मैं बात करूंगा ईस्टर से कैसे बना सकते हैं और ईथर से कैसे बना सकते हैं। मैंने कल डिस्कशन किया था कि ईथर को सॉरी ईस्टर को अगर आप तोड़ोगे मतलब क्या ब्रेकिंग करोगे, और ईथर को, अब अल्कोहल को जो है हम लोग कोल्ड प्लेसेस पे रखते हैं, अल्कोहल इज प्लेस्ड एट कोल्ड प्लेसेस। अभी अच्छा लगता है कोल्ड प्लेसेस पे रखना कि मतलब समझो पानी ठंडा पीने पे अच्छा लगता है कि ऐसे नॉर्मल पीने पे अच्छा लगता है कि गर्म पीने पे अच्छा लगता है, वो ज़रूरत के हिसाब से लोग काम करते हैं। अब इसमें कैसा है ना कि जो अल्कोहल है उसको ठंडी जगह पे ही रखना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे, मतलब ठीक है बट गर्म तो नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर इज ओके। नाउ इफ़ यू टेक अ इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, अब बच्चा बोलेगा सर इसको मैं कर दूँ गर्म, हाँ तो कर दो गर्म, क्या प्रॉब्लम है। तो गर्म करने पे क्या होगा ना भाई, यहाँ से OH और उसके बगल वाला जो कार्बन है बीटा से H निकल जाएगा और वो बन जाएगा भाई इथीन, क्या बन जाएगा इथीन। अब सामने वाले अंकल ने उसको अल्कोहल समझ के कंज्यूम कर लिया, पहली बात तो अल्कोहल का जैसा स्मेल ही नहीं देगा वो, क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो अल्कोहल है ही नहीं, अभी वो बन चुका है एल्कीन, फिर भी बॉटल में रखा है, इतना विश्वास है कि वो अल्कोहल ही है, तो वो कंज्यूम करेंगे तो हो जाएगी मौत, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि हम इथिन को, अगर इथिन खा के पचा सकते तो हम पॉलीथीन ही खाते थे ना, फिर पॉलीथीन का यही होता ना, उसका पॉलीमर होता ना ये इथिन का, सो वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। सो बोलने का मतलब ये है कि टेम्परेचर को आगे पीछे करने से मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो अब इसी का मैं आपको एक प्रिपरेशन करके बताऊंगा ईथर से। अगर यही अल्कोहल को आप रूम टेम्परेचर पे
इथरीफिकेशन करोगे तो क्या होता है कि दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में चिपकते हैं और वहां से वाटर निकाल देता है वो और बना देता है ईथर. क्या बना देता है? ईथर. इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इथरीफिकेशन. तो भाई यहाँ से H और यहाँ से OH चिपका दो आपस में और यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम इसको निकाल दो. सो यू आर लेफ्ट विद द डाईथाइल ईथर. डाईथाइल ईथर. अच्छा, तो जब आप ईथर चैप्टर पढ़ोगे ना, ईथर के अंदर ये उसका एक प्रिपरेशन है, अल्कोहल से ईथर को कैसे बनाया जा सकता है. तो ईथर भी अपन कंज्यूम नहीं कर सकते. ईथर तो बड़ा हाईली फ्लेमेबल है. मतलब आप घर में बैठे हो, एक कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे किसी ने ईथर बॉटल खोल के रख दिया और आपने मैच बॉक्स जलाया जिधर बैठे हो, मतलब एटलीस्ट 3-4 मीटर की दूरी पे भी बैठे हो. अभी घर में गए 2-3 मीटर का दूरी में अगर आप बैठे हो तो वहां तक आग पकड़ लेगा, बिकॉज इट इज हाईली फ्लेमेबल ईथर्स. अच्छा, तो अभी जो मेरे को प्रिपरेशन करना है वो ईथर से करना है. तो ईथर को मैं तोड़ूंगा, क्योंकि ईथर में दो अल्कोहल को आपने जब चिपकाया, ऐड किया, वहां से वाटर निकाल दिया, तो आपको क्या मिल गया? ईथर मिल गया. तो मैं उल्टा जा सकता हूँ ना, उसी ईथर के अंदर मैं पानी डाल देता हूँ, पानी डाल दूंगा तो मेरे को अल्कोहल ही मिल जाएगा. सो दिस इज द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एन ईथर, दैट इज अ क्लीवेज ऑफ एन ईथर. Cleavage of ether. Now, when you break the ether, what you will be getting? See, CH3, CH2, O bond, CH2, CH3, plus water in the presence of acidic medium. So, what you are getting? 2 molecules of ethyl alcohol. Yes, सभी को समझ में आया? Is that everyone is getting this concept? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये cleavage of ether है. ये हमारे को mention नहीं है textbook के अंदर. ये chemical property of ether के अंदर मिलेगा. But interest में कहीं से भी question बन सकता है, because there is a connectivity. अच्छा, अब अगला बताता हूँ मैं. From ester. There is a hydrolysis of ester. अभी देखो, अपने को स्टेट बोर्ड में बड़ा सहूलियत मिलता है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वी गेट अ हैंडबुक अलॉन्ग विद अस फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. वी डोंट गेट इन द फिजिक्स, वी डोंट गेट इन द बायोलॉजी, वी ओनली गेट इन द केमिस्ट्री, ओनली इन द स्टेट बोर्ड. अगर आप बात करोगे एनसीईआरटी या बच्चों के सीबीएसई की, तो उनको पूरा हैंडबुक रट्टा मारना पड़ता है. दे हैव टू मग अप द हैंडबुक. तो दो फायदा है उससे, उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाती है जिसको पढ़ना है उसको, ठीक है, तो उसका एडवांटेज भी उनको मिलता है. अब अपने को कैसा है, हैंडबुक मिलती है तो जाओ उसको देखो, मतलब एग्जाम इज लाइक अ रेगुलर प्रैक्टिकल, देयर शुड बी कॉन्फिडेंस, दैट्स अदरवाइज कैसा, कभी किया नहीं तो वो करने जाओगे तो उधर पे गड़बड़ हो जाएगा. तो देखो, मान लीजिए आपके पास है ना घर में कार्बोक्सिलिक एसिड रखा है. अब हमको पता ही नहीं है भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है, कोई भी एसिड है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा अल्कोहल. अब बच्चा बोलेगा अल्कोहल कहाँ से आएगा, अपन लैब में ये काम करेंगे, विल डू इन द लैब. तो जो एसिड है, एसिड से निकलता है OH, जब एसिड कंबाइन करेगा अल्कोहल से तो एसिड विल लूज द OH एंड अल्कोहल विल गिव द H. तो H और ये OH भाई वाटर बन के निकल गया. अब जो कंपाउंड बना ना वो है ईस्टर, और ईस्टर की बहुत अच्छी स्मेल होती है. ईस्टर इज अ स्वीट प्लेजेंट इन द स्मेल. मतलब मालूम पड़ेगा आपको दोनों, क्योंकि आपको तो मालूम है आप ऐड क्या कर रहे हो, बिकॉज आई डोंट नो दिस इज एन एसिड और नॉट, व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड एन अल्कोहल टू दैट. अब मेरे को मालूम है मैंने ऐड किया है अल्कोहल, तो जब वो एसिड से कंबाइन करेगा तो ईस्टर फॉर्म करेगा. अब ईस्टर फॉर्म होगा तो बताएगा क्या ईस्टर बन गया मैं, नहीं, स्मेल से मालूम पड़ जाता है. बीइंग अ केमिस्ट, उनकी नाक बहुत सेंसिटिव होती है. अब अपने को तो उतना अंदाज़ा नहीं लगता है, क्योंकि आप उन्हें उतना उसके टच में रहते नहीं है. अब कोई केमिकल की स्मेल आ रही है, अपने को मालूम पड़ता ना ये केरोसिन है, ये पैरासूट ऑयल है, ये बोलते ना क्या बोलते सी अपना घर में अगर क्या बोलते हैं एलपीजी गैस का कनेक्शन थोड़ा सा ये हो गया, 5-4 मिनट गैस बाहर आएगी तो मान लो गैस निकल गई. तो ये कैसे, हमको क्या कोई बताया था क्या? हम धीरे धीरे सीखे, हमारे नोज़ में रिसेप्टर होता है, वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हाँ ये यार ये तो लेमन का स्मेल है, ये ऑरेंज का स्मेल है. तो जब आप बींग अ केमिस्ट होते तो आपको बहुत सारी गैसेस का ये करना पड़ता है, मतलब आदत तो नहीं बोलते, वो यूज टू हो जाता है. तो ईस्टर का भी ऐसा ही कुछ है, पता नहीं आप लोगों ने अभी देखा है कि नहीं स्कूल में. तो ये स्वीट प्लेजेंट स्मेल आपको बताएगा. तो अभी आप उसी को तोड़ दो, आप उसी ईस्टर को तोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा. मतलब जब मेरे को ज़रूरत रहेगा ईस्टर बनाने का तो मैं ईस्टर बनाऊंगा वही रिएक्शन को लेके, जब मेरे को ज़रूरत रहेगा अल्कोहल बनाने का तो मैं वही रिएक्शन को उल्टा कर दूंगा. मतलब
एक रिएक्शन से मेरा दो काम हो रहा है, जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे. सो राइट नाउ आई वांट टू गेट एन ईस्टर का ब्रेकिंग, आई वांट टू गेट एन अल्कोहल, तो ईस्टर को तोड़ के मैं अल्कोहल बनाऊंगा. तो देखते हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड आर डैश. सो इसका नाम है अल्काइल इथेनॉएट, अल्काइल इथेनॉएट. अब इस अल्काइल इथेनॉएट के ऊपर ऐड कर दो H प्लस, हाइड्रोलिसिस मार दो भाई इसका सीधा. तो भाई इसको H मिलेगा, इसको OH मिलेगा, तो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड बाय प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी व्हाट? आर डैश ओ एच. किसी को कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अरे हाँ ना बोलोगे आप लोग? सर एक बात किसी बताना. चलो अभी मैं बड़ा एग्जांपल लूंगा, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा. ये लल्लू क्वेश्चन है. सी चलो ये क्वेश्चन ले लो. इसका नाम है मिथाइल बेंजोएट. क्या नाम है भाई इसका? मिथाइल बेंजोएट. दिस इज अ मिथाइल बेंजोएट. अब ये मिथाइल बेंजोएट में क्या करना है अपने को मालूम है? पानी ऐड करना है और इसको गर्म करना है, सिंपल हाइड्रोलिसिस मारना है. तो इसका मैकेनिज्म कैसे जा रहा है पहले मैं रिएक्शन बता दूं, फिर मैकेनिज्म पे जाऊंगा. हाइड्रोलिसिस दो तरह का होता है, एक होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस और एक होता है आपका ये क्या बोलते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तो इधर देखिए जब आप इसके अंदर ऐड कर दोगे H3O+, देखो ये H3O+ लिखने का मतलब क्या मालूम है? प्रोटॉन देगा. हाँ प्रोटॉन तो देगा, सही बात है, लेकिन मीडियम भी आपको मेंशन करना पड़ता है, आपको मीडियम भी मेंशन करना पड़ता है. तो इससे ये पता चलता है कि ये एसिडिक मीडियम है, दैट्स ऑल. यस, क्योंकि आप अलोन H2SO4 नहीं दे सकते ना भाई, H2SO4 को तो पानी में ही बनाओगे ना भाई, उड़ा उड़ा के तो नहीं लेके जाओगे उसको कहीं पे. सी तो ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ईस्टर का. तो ये क्या करते हैं अपन, इसको शॉर्टकट के तौर पे ऐसे पढ़ लेते हैं, इसको OH दे दो, इसको S दे दो. अभी इसका मैं मैकेनिज्म भी आपको बता देता हूँ. तो ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड OH, आपका बन गया बेंजोइक एसिड प्लस CH3OH, दैट इज अ मिथेनॉल. यहाँ तक बात क्लियर है? Yes. चलो आप इसका मैकेनिज्म समझने का कोशिश करो. देखो दो तीन चीजें आपको फिट होनी चाहिए दिमाग में, वो लाइन हमेशा आनी चाहिए. जैसे आप किसी को देखते हो, कोई आपका फेवरेट आइकॉन है, कोई भी एक्स वाई जेड मोटिवेशनल पर्सन है, तो मतलब आपको कुछ ना मोटिवेशन तो आता है, आपके माइंड में कोई थॉट तो आ ही जाता है यार इसके जैसा करना है. तो जब आपको एसिडिक मीडियम दिखता है तो सबसे पहला काम आपके दिमाग में ये आना चाहिए भाई वो करने वाला है प्रोटोनेशन. उसको टाइम पास के लिए तो रखा नहीं है, वो प्रोटॉन डोनेशन करने के लिए उसको लगाया वहाँ पे, मतलब वो प्रोटॉन डोनेट करेगा अगर एसिडिक मीडियम है तो. अब अगर बेसिक मीडियम है तो भाई वो क्या करेगा? बेसिक मीडियम है तो सिंपल सी बात है वो प्रोटॉन निकाल लेगा, प्रोटॉन निकाल लेगा. एक्सेप्ट करना और एब्स्ट्रैक्ट करना अलग बात है, मतलब तुम किसी से बोलते ना जगह बनाना और जगह घिरना दो अलग चीज है, समझ रहा है? तुम जगह बनाओगे तो तुमको रिस्पेक्ट मिलेगी, तुम जबरदस्ती बैठ जाओगे तो मतलब चार लोग बोलेंगे यार ये तो जबरदस्ती बैठा है, तो दोनों में फर्क है. तो एब्स्ट्रैक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो खींच के ले लेगा भाई, तुम दो मतलब उसको मालूम पड़ेगा हाँ ये भाई मेरे मेरे लिए है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ प्रोटॉन. तो चलो बेसिक मीडियम डज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक प्रोटॉन. No. अब इसका मैं मैकेनिज्म बताता हूँ. तो जैसे कि मैंने बता दिया मीडियम आपका है एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम में सिंपल सी बातें होता है प्रोटोनेशन. अब प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा ये भी बड़ा काम का चीज़ है, जरा ध्यान से देखो. अब मैं ये बेंजीन को हटा के उसकी जगह पे आर लिखता हूँ, सो दैट आई विल बी फाइंडिंग द लेस, थोड़ा सा कम जगह यूज करूंगा मैं. देखो अब इसके पास लोन पेयर है और ऊपर वाले के पास भी लोन पेयर है भाई,
अब आपने क्या किया, यहाँ से दे दिया एच प्लस। अब मेरे को ये बताओ, ये मैंने एक नंबर ऑक्सीजन लगा दिया और इसको दो नंबर ऑक्सीजन लगा दिया, किस ऑक्सीजन का लोन पेयर उसके पास जाएगा आपके हिसाब से? एक नंबर वाले का पास जाएगा कि दो नंबर वाले का जाएगा? सोचो सोचो। सर रिपीट करो क्या बोला। हाँ मैंने ये बोला कि किसका लोन पेयर है ना इसके ऊपर अटैक मारेगा, एक नंबर वाले का कि दो नंबर वाले का? जस्ट गिव मी वन सेकेंड। हाँ बोलो बोलो, एक नंबर वाले का जाएगा कि दो नंबर वाले का जाएगा? दो नंबर वाले का। दो नंबर वाले का जाएगा, एक नंबर वाले ने पाप किया है। हाँ एक नंबर वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है? बोलो बोलो बोलो। तो दो नंबर में बॉन्ड ज्यादा है सर। बॉन्ड ज्यादा है, अच्छा एक नंबर वाले में बॉन्ड कम है तो वो बॉन्ड ज्यादा बनाने प्रीफर नहीं करेगा। ओके चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब भाई कौन सा बंदा अपना इलेक्ट्रॉन फेंकना ज्यादा प्रीफर करेगा। फेंकना मतलब क्या, बॉन्ड बनाना। फेंकना मतलब ऐसे हवा में उड़ा नहीं देना होता है। तो देखो ये जो एक नंबर का ऑक्सीजन है उसके बाद दो लोन पेयर है, तो वो सोचेगा मैं अपना एक लोन पेयर दे देता हूँ। सोचने से क्या होता है, होगा तो नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका जो बगल में ग्रुप लगा है वो लगा है कार्बोनिल, वो बोलेगा भाई चल इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये भाई इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये चाह के भी जो है अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले प्रोटॉन को नहीं दे सकता। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है कार्बन ऑक्सीजन नंबर वन की कम है और दो नंबर वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो अपना लोन पेयर रेजोनेंस में लेके नहीं जा सकता है। कैसे लेके जाएगा भाई? अगर आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो आगे कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? आगे तो आप कोई बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकते ना। तोड़ना मतलब आगे कोई इलेक्ट्रॉन होता तो उसको आप घुमा देते आगे। जैसे कि एक नंबर वाले के पास दो लोन पेयर है तो इसका एक लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ तो वही टाइम पे ये पाई बॉन्ड ऊपर चला गया तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। यस ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड हो विद द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज CH3। लेकिन जब आप ऊपर वाला दो नंबर वाले का लोन पेयर जब अंदर घुमाओगे तो उसके आगे भी तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो ये भाई इधर जाएगा, ये कहीं टूटेगा थोड़ा, ये नहीं टूटेगा, वो सिग्मा बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा। पाई बॉन्ड के कंपेयर में सिग्मा थोड़ा सा तगड़ा होता है। तो एक नंबर का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है कि दो नंबर का? दो नंबर का ज्यादा है न्यूक्लियोफिलिसिटी। समझ में आया? तो वही रीजन बोलने का था, बॉन्ड नंबर ज्यादा है ये सब नहीं। बिकॉज सर एक नंबर वाला का जो ऑक्सीजन है ना उसका लोन पेयर में भी इन्वॉल्वमेंट है तो वो दोनों जगह पे नहीं जा पाएगा। तो चलो अब मैं करूंगा प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन मैंने कर दिया दो नंबर वाले ऑक्सीजन के ऊपर। सो आई गॉट दिस आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री। सो नाउ द मोमेंट आई हैव इंट्रोड्यूस हियर एच प्लस आयन, दैट एच प्लस आयन विल गेट कनेक्टेड विद द ऑक्सीजन। ये भाई इधर से बॉन्ड निकाल लिया इसके साथ में, तो जैसे ही बॉन्ड निकालेगा ऑक्सीजन अभी तड़पेगा, भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का, बिकॉज मैंने तीन बॉन्ड बना लिया है तो अभी वो इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा है और ये हो जाएगा ओ सी एच थ्री। तो जैसे ही ऑक्सीजन जो है दो नंबर, इसको मैं फिर बार बार लिख के रखता हूँ सो दैट आई विल से देन यू कैन मेक इट आउट। तो दो नंबर वाले ऑक्सीजन को आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, ये एक नंबर दो नंबर जस्ट मैं बोलूंगा आपको क्लियर क्लैरिफाई करने के लिए लिखा है और कुछ जरूरत नहीं। स्क्रीनशॉट लेना तुमको, ठीक है? स्लो आदमी यार तू, फटाफट काम करने का। कहाँ तक करूँ भाई? और नो सर हो गया, इतना हो गया। ठीक है, मतलब मेरे को बोल, आप ऐसे लिखेगा तो टाइम बहुत जाएगा, इसके लिए स्क्रीनशॉट पैरेलल लेते रहो, स्क्रीन भर जाएगा तो ले लेने का। चलो हाँ, तो जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन को, अभी वो तड़प रहा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? वो भाई जो नीचे का पाई बॉन्ड है उसको तोड़ेगा और बोलेगा भाई आजा मेरे पास इलेक्ट्रॉन लेके, तू ये तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। और ये जो नीचे का कार्बन है इसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा अभी सिस्टम के अंदर पानी भी तो है तो ये भाई अटैक मार देगा इसके ऊपर, तो दोनों काम साथ साथ में हो रहा है। तो ये जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, एडिशन मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल करोगे तो उसको एडिशन बोला जाता है। तो ये हो गया आर बॉन्ड सी, ऊपर वाला हो गया ओ एच, नीचे वाला हो जाएगा ओ एच एच विद द पॉजिटिव चार्ज और बगल में क्या है भाई ओ सी एच थ्री। सही बात है यहाँ तक? बात समझ में आ रही है सर? वाटर कैसे है? वाटर रिपीट करो ना फिर से। वाटर इसके अंदर ऑलरेडी है ना, मीडियम एसिडिक है ना, तो आप H2SO4 को पानी में मिलाओगे तभी तो आप इधर लिखते हो ना H3O+। अब H3O+ लिखने का मतलब क्या है, आपने एसिडिक मीडियम रखा है तो मीडियम मतलब क्या है, आप पानी लेके उसमें दो चार बूंद H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो वो एसिडिक मीडियम हो चुका है। तो पहला काम उसने प्रोटोनेशन कर दिया, तो प्रोटोनेशन जैसे ही किया तो कार्बन ऑक्सीजन नंबर दो है उसको आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो अभी वो डेस्परेट है इलेक्ट्रॉन के लिए,
तो वो क्या करेगा, उसके बगल वाला जो कार्बन है उसका पाई बॉन्ड तोड़ेगा और अपने पास ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन ऊपर वाला जो है दो नंबर का वो हो गया स्टेबल। तो वही टाइम पे वाटर अटैक मार देगा कार्बन को, क्यों मार देगा, क्योंकि कार्बन को पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता ना भाई, वो उसको भी तो इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो जैसे ये स्ट्रक्चर मिला, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, तो वो क्या करेगा भाई, चल प्रोटॉन तू मेरे को दे दे और तू निकल ले यहाँ से, इलेक्ट्रॉन दे के प्रोटॉन बना के निकलेगा। तो अपने को मिल गया आर बॉन्ड सी ओ एच बॉन्ड ओ सी एच थ्री बॉन्ड ओ एच। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अच्छा, अभी अभी जो है आपका जो ओ आर है, क्या है ओ आर, अब ओ आर मतलब ओ सी एच थ्री यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यस, इसके ऊपर प्रोटोनेशन होगा, तो जैसे ही वो प्रोटोनेशन करेगा उसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज सी आर बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच ओ बॉन्ड सी एच थ्री एच विद अ पॉजिटिव चार्ज अपॉन ओ एच। नाउ द ऑक्सीजन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, नो दैट ऑक्सीजन इज अ डिस्पेरेट, भाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो क्या होगा, बोले भाई तू निकल ले यहाँ से फिर जरूरत है, तो ये लोन पे अंदर जाएगा और ये पूरा का पूरा टूट के निकल जाएगा, मतलब क्या बन के निकला यहाँ पे, मिथाइल अल्कोहल, आपने पहले देखा था भाई, एक बंदा अल्कोहल बन के निकल जा रहा है, दूसरा बंदा क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। ओके, तो आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच विद पॉजिटिव चार्ज और ये OH है, अभी हो जाएगा डी प्रोटोनेशन, तो ये बन जाएगा आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ OH। तो एक मॉलिक्यूल बन गया एसिड, दूसरा मॉलिक्यूल बन गया अल्कोहल, तो आपने इस्टर को तोड़ दिया, तो ये तोड़ने का रास्ता है, मैकेनिज्म है। एवरीवन गॉट इट क्लियर, यस और नो? यस सर। चलो इसको जरा सा मैं जूम आउट कर दूं। सर लास्ट स्टेप क्या है? डीप्रोटोनेशन। ये जो है ना, ये भाई प्रोटॉन जो है इसको देगा और यहां से निकल जाएगा। यस सर, समझा। तो ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ योर ईस्टर, ठीक है। इसका अल्कलाइन भी होता है, वो जब भी जरूरत लगेगा तो मैं बताऊंगा, अभी जरूरत तो नहीं इसके लिए नहीं बता रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ू। क्या अब हम लोग बात करेंगे फ्रॉम एल्कीन हाउ यू कैन गेट एन अल्कोहल। तो एल्कीन के अंदर पानी ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो आप उसका। सी द नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन तो अभी क्या करना है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देता हूँ। ये जो है ना, ये आपने पढ़ा है एल्कीन चैप्टर के अंदर, 11th स्टैंडर्ड के अंदर, ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड करता है विद क्योंकि देखो मीडियम यहाँ पे एसिड लिख दिया मैंने, तो ये बट ऑब्वियस है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनाता है, और जब कभी भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है तो वो रीअरेंजमेंट भी करने की कोशिश करेगा, देयर विल बी द रीअरेंजमेंट आल्सो हैपनिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन आल्सो पॉसिबल। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये जब रीअरेंजमेंट करेगा तो अपने को मालूम है, 3 डिग्री बन रहा है तो 3 डिग्री बनाओ, नहीं बन रहा तो जो बन रहा है उसी के साथ काम चलाओ, तो ये दिमाग में रखना। अच्छा, अगर आपने एग्जांपल ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज अ प्रोपीन, अब इस प्रोपीन के ऊपर आपने ऐड कर दिया वाटर HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम, तो देखो क्या करने वाला ये भाई, इसका एक ही काम है, H और OH को तोड़ेगा। H आपका पॉजिटिव पार्ट है, OH आपका नेगेटिव पार्ट है, अगर आपने सीधा मार्गोनी को फ्रू लगा भी दिया तो नेगेटिव पार्ट को प्रोपेन 2 वाला जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इट इज गवर्न बाय द मार्कोनिक ऑफ रूल ऑल्सो, बट हमेशा रूल को दिमाग में मत रखो, मैंने पहले ही बताया रूल जो है वो हो जाता है वॉयलेटेड, मतलब किसी किसी केसेस में रूल का आता पता लगता नहीं है,
तो वहां पे हमको अप्लाई करना पड़ता है फंडामेंटल. सो इट इज बेटर ऑलवेज गो विद द बेसिक्स. एनी डाउट टू एनीवन प्लीज आस्क मी. चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से. नाउ अभी एक क्वेश्चन, अभी जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये एक डाउट किसी एक बच्चे ने पूछा था मेरे को, वो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का था. मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कुछ दिया गया था ऐसा, उसके अंदर जो था 6 कार्बन है और 3 ये है C9 5 5 1 2 3 3 2 5, मतलब C9H10 करके फार्मूला था, C9H10 करके फार्मूला था. उसने बोला ब्रोमीन एडिशन करने का है ये सब. तो वो मैं जस्ट सवेरे देखा, रात को आया था मोबाइल पे, तो वो यहाँ पे अभी आपको मिलेगा. तो ये जिसको समझेगा तो उसके अंदर भी थोड़ा उसका काम हो जाएगा. देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, एंड डीमर्क्यूरेशन, ये अपने को नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं. डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्किन्स, ऑफ एल्किन्स. देखो पहली बात तो यहाँ पे जो है आप मर्क्यूरी को ऐड करोगे, फिर मर्क्यूरी को निकालोगे, तो इसीलिए इसको हम लोग बोले ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड द डी मर्क्यूरेशन. बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ये कैसे प्रोसीड करता है ये मैं एक आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ, फिर उसी के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा. मान लीजिए आपके पास दिया गया है प्रोपीन, जस्ट वन मिनट, हाँ, CH3CH double bond CH2 प्रोपीन. नाउ इन दिस प्रोपीन यू आर गोइंग टू ऐड मर्क्यूरी, दैट इज HgOAC का मतलब होता है एसिटाइल. देखो इधर देख देता हूँ मैं, CH3C double bond O को हम लोग बोलते हैं एसिटाइल, CH3C double bond O इतने को बोलते हैं एसिटेट. अगर मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया सोडियम तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसिटेट, यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड. तो एसिटाइल कितने को बोलते हैं भाई, इतने को एसिटाइल बोलते हैं, और उसी में एक ऑक्सीजन लगा दोगे तो बन जाएगा एसिटेट, और जिसके नाम के एंड में एट आता है ना वो होता है ईस्टर. क्या होता है भाई, वो ईस्टर होता है. सो नाउ HgOAC, तो इसको ऐसे न लिखने के बजाय आप उसको साथ में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो है मर्क्यूरी ऐड करता है इसके ऊपर और वो बनाता है मर्क्यूरियम आयन CH3CHgCH. ठीक है, सो वी गेट दिस मर्क्यूरियम आयन. अब दिस मर्क्यूरियम आयन विल बी गेटिंग, मतलब ये जो जैसे इपॉक्साइड बनता था ना वैसे ये बन रहा है, अब ये ब्रेक डाउन करेगा. अब ब्रेक डाउन करने के लिए क्या है भाई, अब इसको कहाँ से सहूलियत मिल रही है, राइट साइड से तोड़ने के लिए कि लेफ्ट साइड से तोड़ने के लिए? जस्ट वन मिनट, ये जो है दो बॉन्ड बना रहा है इसको, सॉरी तीन बॉन्ड रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे एक OAC भी रहेगा, तो अभी इसको रहेगा पॉजिटिव चार्ज. तो अभी क्या होता है, अगर आपने एक नंबर वाले कार्बन को बॉन्ड तोड़ा तो आपको प्राइमरी कार्बोकैटायन मिलता है, अगर आप दो नंबर वाले को तोड़ोगे तो आपको सेकेंडरी मिलता है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन उसको पास दे देंगे HG के पास, तो HG का जो इलेक्ट्रॉन का जरूरत है वो पूरा हो चुका है और कार्बन नंबर 2 के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो आपको मिल जाएगा CH3 CH positive bond CH2 bond HgOAC. अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ना, आपने इसमें अंदर पानी भी ऐड कर रहे हो, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन H2O, तो वाटर अटैक मार देगा सीधा. अब जैसे ही वाटर अटैक मारेगा CH3 CH OH OH विद अ पॉजिटिव चार्ज CH2 HgOAC, अब यहाँ से HG भी निकल जाता है और OAC भी निकल जाता है, तो उसका अपना मैकेनिज्म है, वो फिलहाल तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मेरे को खाली प्रोडक्ट के ऊपर जाना है. तो ये जो है यहाँ से बेसिक है, क्या बेसिक है, AC
ओएसी मध्ये एसी के हाँ बराबर ओएसी है सर, वो क्या है ओएसी के? ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, एसी का मतलब बताया ना मैंने, इतने को एसी बोल एसी बोलते हैं, एसिटाइल। और हाँ तो वो मर्क्यूरियस एस मर्क्यूरिक एसिटेट है, एच जी प्लस टू मतलब मर्क्यूरिक, एच जी मतलब मर्क्यूरस, ठीक है। तो एसी मतलब हाँ, तो अभी यहाँ पे जो है ये टूटेगा तो ये बन जाएगा आपका एल्कोहल सी एच थ्री सी एच ओ एच बॉन्ड सी एच टू। अब ये सी एच टू बनेगा तो ये यहाँ से एच जी जो है ना ये पूरा का, क्योंकि मेटल है तो मेटल लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन देते और निकल लेते हैं, तो वो निकल जाएगा, इसको सी एच टू नेगेटिव रहेगा फिर उसको आ देगा एच प्लस, तो फाइनली अपने को मिलेगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। वी आर फाइनली गेटिंग द आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एंड बाय प्रोडक्ट आपका मिलेगा एच जी ओ ए सी। तो ये अपना अलग, दोनों भी अलग हो जाते हैं तो उसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि प्रोपीन से आपने बना लिया प्रोपेन वन ऑल प्रोपेन टू ऑल, ये जो फॉलो कर रहा है ये फॉलो कर रहा है मार्कोनिकोफ रूल, दिस इज ओनली फॉर एंट्रेंस नॉट इन द टेक्स्ट बुक, अपने के बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ये नहीं है। तो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करके आप कैसे एल्कीन से एल्कोहल बना सकते हैं, ये उसका रिएक्शन है। डीमर्क्यूरेशन मतलब रिमूवल ऑफ मर्क्यूरी, जब आप एडिशन करोगे ना तो उसको मर्क्यूरेशन बोला, और जब मर्क्यूरी को निकाला तो डीमर्क्यूरेशन है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे ज़्यादा जरूरत लगे मैं वहाँ पे मैं दो बार बताऊंगा तीन बार बताऊंगा, जो क्वेश्चन के अंदर सर फोड़ने का नहीं है तो उसमें फोड़ने का जरूरत ही नहीं है, ये जस्ट इतना दिमाग में रखो प्रोपीन से मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करोगे तो वो सीधा एल्कोहल देगा। अब ये प्रोपेन वन ऑल देगा तो माइनर प्रोडक्ट है, प्रोपेन टू ऑल देगा तो मेजर प्रोडक्ट है। व्हाई वी आर गेटिंग द प्रोपेन टू ऑल, बिकॉज दैट इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटन, दैट इज अ मोर स्टेबल। यस 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 सर। हाँ तो अभी इसके अंदर दो रिएक्शन और बच रहे हैं, आपका है ऑक्सो प्रोसेस और आपका है एक ये वाला बड़ा फेवरेट है वो एच बी ओ रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको। तो मैं ऑक्सो बता देता हूँ फिर लास्ट में जाऊंगा एचबीओ के ऊपर। एचबीओ के बारे में मैंने कुछ लिखवाया भी था, अगर नोटबुक में आपने लिखा है तो बताइए। कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है भाई? सर नहीं लिखा है। अच्छा 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 नहीं लिखा है। उसके बारे में कुछ लिखवाया था मैंने, स्क्रीन के ऊपर लिखा था इट इज अ सीन एडिशन एंड इट फॉलोज द एंटी मार्कोनिकोफ रूल। हाँ यही तो बोलते, इसमें बोलते ना क्रीम कंसेप्ट है, मतलब यही क्वेश्चन का वो कैच है भाई, क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोबोरेशन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ये क्या फॉलो करता है। रिपीट करो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है ये सीन एडिशन है और ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करता है। ये लाइन आपको या तो रेफरेंस बुक में मिलेगी या तो ईमानदारी से टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो इधर कोप्चे में किधर दो वर्ड लिखा है बस, और इसके ऊपर क्वेश्चन बना है। चलो यस सर, वो मैंने लिखवाया भी था वहां पे, तो अभी अपन फॉलो कर रहे हैं ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस सी, ऑक्सो प्रोसेस जो होता है ये दो स्टेप में काम करता है भाई, ये प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस करके देता है, इट गिव यू द प्राइमरी अल्कोहल, ये भी जरा लिख लेना आप लोग। ऑक्सो प्रोसेस gives primary alcohol and दो ये करता है, involves two step, secondary alcohol नहीं देता। हाँ primary alcohol ही देता। मैं तुम्हारा नाम क्या बताऊँ? नाम बताओ। शुभम। yes yes शुभम। हाँ तो मैं पूछू तुम्हारा नाम शुभम ही क्यों है तो क्या बोलोगे तुम? मतलब ये डिफाइंड है, अभी ऑक्सो प्रोसेस का मैं लिख देता हूँ। अब माइनर प्रोडक्ट या ये कैसा है ना, ये कैटालिटिक अप्रोच के थ्रू जाता है, कार्बोकैटायन बना के जाएगा तो अपन समझा सकते हैं भाई, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो 3 डिग्री मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे अपन सर फोड़ सकते हैं उधर फोड़ेंगे, ठीक है। चलो ऑक्सो प्रोसेस ये दो स्टेप का होता है, इसके अंदर जो होता है एडिशन होता है हाइड्रोजन गैस और इसका क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का, तो सी डबल बॉन्ड सी, ये आपके पास एल्कीन है,
इस एल्किन के ऊपर आपने पास किया, ये बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफॉर्मेलेशन, CO प्लस H2, ये दोनों के एडिशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफॉर्मेलेशन। हाइड्रोफॉर्मेलेशन तो ये दोनों का जब आप ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज द रैननिकल और पैलेडियम आप ले सकते हैं, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू दिस, नीचे एक एच आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सी एच ओ, ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया। अभी क्या होगा, इसका आप मारोगे रिडक्शन, दो स्टेप का है, तो पहले स्टेप में क्या करता है वो हाइड्रोफॉर्मेलेशन करता है, दूसरे स्टेप में वो रिडक्शन करता है, इट गिव यू द रिडक्शन, और रिडक्शन अपने को मालूम है ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का आप कभी भी रिडक्शन मारोगे तो क्या मिलता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन मार रहे हो, ऑक्सीडेशन नहीं मार रहे हो, रिडक्शन मार रहे हो, एल्कोहल मिलता है, क्या मिलता है, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी सी बॉन्ड एच बॉन्ड सी सी, ये जो सी एच ओ है ना, ये क्या बन जाएगा, सी एच टू ओ एच बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सी एच टू ओ एच, सो दैट्स वाई दिस इज ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट हियर प्राइमरी एल्कोहल। अगर मैं इसी के अंदर ये करा दूँ ना, क्या बोलते हैं, प्रोपीन लेके कर दूँ रिएक्शन, तो प्रोपीन लेके कर दूँ तो मेरे को दो ही प्रोडक्ट मिलेगा, सर रिडक्शन वाला नहीं समझ सर, एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे क्या मिलता है, अल्कोहल, हाँ अभी तू रिडक्शन करने के लिए इधर पे कुछ भी ले ले, हाइड्रोजन गैस इन द रैननिकल ले ले, LiLH ले ले, NaBH4 ले ले, हाइड्रोजन गैस पास कर दो, वो अपना मतलब नहीं है, अपने को मतलब है एल्किन से अल्कोहल कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सोप्रोसेस, दैट इज द हाइड्रोफॉर्मेलेशन। अच्छा मतलब 7-8 ही अपन पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं घुसेंगे, ये 7-8 ही मतलब अपना काम कर जाएगा फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब मेरे को बताओ इसके अंदर मेरे को करना है एडिशन CO प्लस H2 गैस का इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब आपको मिलेगा A, अब उस A का मारोगे आप रिडक्शन तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट B मिलेगा, तो बताइए B क्या है, जरा फटाफट काम करिए, बोलो बोलिए बोलिए, आ रहा है सर, ब्यूटेनॉल मिलेगा, ब्यूटेनॉल, ओके, एन ब्यूटेनॉल मिलेगा कि आइसोब्यूटेनॉल मिलेगा, एन ब्यूटेनॉल आएगा, एन ब्यूटेनॉल, भाई मैंने तो, अच्छा बराबर है, एन ब्यूटेनॉल तुम्हारे को मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, बराबर है, यस यस, ओके, आइसोब्यूटेनॉल नहीं मिलेगा मेजर, सर आइसोब्यूटेनॉल मिलेगा, आइसोब्यूटेनॉल मिलेगा, ओके ओके ठीक है, हाँ तो अभी थोड़ा सा इसमें ये आ रहा है कैच कंसेप्ट, अभी इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, अब मेजर भी तुम्हारा एन ब्यूटेनॉल भी 1 डिग्री है और आइसोब्यूटेनॉल भी 1 डिग्री है, बराबर है, यस, चलो यस, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं मैं, आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच ओ, ये मिल जाएगा। अभी कोई बोलेगा यार मैं जो है ना फॉर्मेलेशन को इधर करता हूँ, किधर करता हूँ, लेफ्ट में कर दूंगा, यहाँ पे करता हूँ इस कार्बन के ऊपर, तो सर इसमें मार्कोनी का रूल फॉलो होगा, सी एच सी एच ओ बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है, अभी जो है इसका मारना है रिडक्शन, तुम दोनों का रिडक्शन मारो, इसका भी रिडक्शन मारो और इसका भी रिडक्शन मारो, तो ये जो सी एच ओ है इसी के सी एच टू ओ एच हो जाएगा, सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ, अभी मैं एक लाइन बोलूंगा उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग, सी एच बॉन्ड सी एच टू ओ एच बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है, हाँ अभी देखो इसमें जो है ना जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, आप लोग नोटबुक में लिखना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो है ना वो आपको ब्रांच्ड अल्कोहल दे सकता है या ब्रांच्ड एल्डिहाइड दे सकता है या तो फिर आपको स्ट्रेट चेन, जैसे कि आपको ये स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड मिल रहा है क्योंकि आपने स्टार्ट किया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन से, कीप ऑन राइटिंग द स्टेटमेंट विच आई एम टेलिंग, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैन गिव स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड
और ब्रांच्ड चेन एल्डिहाइड, बात समझ में आ रही है? आउट ऑफ दैट जो स्ट्रेट चेन होता है उसका अपना ये क्या बोलते हैं परसेंटेज ज्यादा होता है. द अमाउंट ऑफ स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड और अल्कोहल इज मोर. ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एनब्यूटेनॉल विल बी मोर हियर. सो ये इसकी मेजर प्रोडक्ट बनेगी. और ये आपका थोड़ा सर, हाँ बोलिए. वो CHO माइनस आके CH पे नहीं बैठेगा जाके? वही तो बोला ना, ये क्या है, ये कैटालिटिक रिडक्शन है. दिस इज द कैटालिटिक रिडक्शन, दिस इज नॉट अ बैठ तो रहा है ना वहां पे भी बैठ रहा है तो तुमको वो क्या मिल रहा है, ब्रांच्ड एल्डिहाइड मिल रहा है. मार्कोनिकोव रूल फॉलो के भाई मेरे तो मार्कोनिकोव रूल क्यों अटक रहे हो? मार्कोनिकोव रूल वो सब जब कार्बोकैटायन बनता है तब फॉलो होता है ना. ये कैटालिटिक रिडक्शन है. कैटालिटिक रिडक्शन मतलब समझ रहे होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस है और ये CO है, ये दोनों के दोनों को ये कैटलिस्ट लेके जाता है और इस पे ऐड करता है. तो एक बार वो CH2 पे ऐड करेगा तो फॉर्मेलेशन हो रहा है टर्मिनल पे, जब वो CHO को ऐड कर रहा है इसके ऊपर तो वो कैटालिटिक के थ्रू जा रहा है, वो कोई इंटरमीडिएट बना के नहीं जा रहा है. तो यहाँ पे आप मार्कोनिकोव रूल लगा ही नहीं सकते हो. समझा, मतलब कैटायन एनायन बनेगा तब आप कोई रूल लगाओगे ना. तो ये जो है ये कैटालिटिक रिडक्शन है. तो यहाँ पे जो है स्ट्रेट चेन वाला या जो अनब्रांच्ड है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है. बिकॉज अब लॉजिक ये बोल सकते हो कि अब इसका कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास. फॉर्मेलेशन जो है टर्मिनल कार्बन पे आसानी से हो सकता है, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा बिकॉज उसको उतना ज़्यादा वहाँ पे क्राउडिंग नहीं मिल रहा है. स्टेरिक कार्बन क्या बोल रहे हो? टर्मिनल कार्बन. टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन क्या होता है भाई बताओ इनको. टर्मिनल अभी जब आते तो कार्बिनॉल बोल रहा है तू. अच्छा ओके, अभी आयोपैक नॉमनक्लेचर करने का अपने पास ये है CH2. इसी चैप्टर के अंदर है, टेक्स्ट बुक के अंदर तीन ये दिया है, क्या बोलते हैं नॉमनक्लेचर करने का सिस्टम है. कार्बिनॉल रहेगा ना, ये रहेगा CH. अभी इसका नाम मैं बोलूंगा मिथाइल कार्बिनॉल. क्या बोलूंगा? मिथाइल कार्बिनॉल. मिथाइल अलग से बोल रहा हूँ, कार्बिनॉल मैंने इसको बोला है CH2OH को. समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारे पास ये आ जाए साइक्लोहेक्सेन कार्बिनॉल. समझ में आ रहा है? तो ये एक नॉर्मल ग्लेशियर है. अच्छा हो तुमने पूछ लिया. तो ये हो गया ऑक्सो प्रोसेस की बात. ऑक्सो प्रोसेस में दिमाग में रखना आपका जो नॉन टर्मिनल होता है, सॉरी जो टर्मिनल वाला होता है एल्डिहाइड, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है. ठीक है, अब मैं बात करूंगा भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. ये बड़ा फेवरेट रिएक्शन है, ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकोव रूल एंड इट इज अ सिन एडिशन. आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल वाला वर्ड शायद मिलेगा टेक्स्ट बुक के अंदर, सिन एडिशन शायद नहीं मिलेगा. yes, चलो तो अब ये काम कैसे करता है जरा इसको समझने का कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म. B2H6, यू हैव टेकन अ प्रोपीन, मान लेते हैं, और ये हमेशा वन ऑल देता है. ये भी थोड़ा सा इसका खास बात बता देता हूँ आपको, हमेशा जो OH है ना वो एक नंबर पे चिपका के देगा. मान लीजिए आपने इसका ये कर लिया HBO कर लिया, तो कहीं कहीं पे BH3 लिखा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ THF tetrahydrofuran दैट इज अ सॉल्वेंट, फिर आप इसका H2O2 पास करते हो तो ये मिलेगा CH3CH2CH2OH. क्योंकि पहले मैंने बता दिया ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकोव रूल एंड इज अ सिन एडिशन. ठीक है, तो इसका कुछ मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार बनता है. अब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो BH3 को ना वो लोगों ने B2H6 लिखा है. तो बेसिकली जो है ना बोरेन है ना इस फॉर्म में रहता नहीं है, वो डाई बोरेन बनता है, उसका आइसोमराइजेशन हो जाता है. तो अभी देखो मैं BH3 को ही एज अ ट्रीट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहा हूँ उसी को लेके CH3CH2CH2CH2. अभी ये जो है ये टूटेगा. अब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए इसको आ रहा है और इसको आ रहा है डेल्टा नेगेटिव चार्ज. तो आपके पास जो ये है क्या बोलते हैं BH3, तो BH3 भी जो है ना ये ब्रेक डाउन कर लेता है. तो ये पहले ये वाला बताऊंगा मैकेनिज्म, फिर दूसरे वाले पे जाऊंगा. ये BH3 ना ब्रेक डाउन करेगा और
ये बनाता है BH2 और H, तो ये BH2 को हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और H को माइनस चार्ज रखते हैं, तो ये ऐसे आपस में साइक्लिक एक स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब जो नेगेटिव है इसका वो सामने वाले के पॉजिटिव पे जा रहा है और सामने वाले का नेगेटिव इसको पॉजिटिव, ठीक है सर? नहीं समझे, एक बार फिर से रिपीट। हाँ, अभी देखो BH3 जो है ना इसका ब्रेकिंग कैसा हो रहा है, एच माइनस और बी एच टू प्लस के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है? Yes. अब मैंने क्या बोला है, एंटी मार्कोनिक ऑफ है तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बोनेटर विच हैव अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है? Yes. ये, अभी ये जो बी एच टू माइनस है ये सी एच टू के पास जाएगा कि सी एच के पास जाएगा? ठीक है, तो अभी इधर देखो, नाउ दिस सॉरी प्लस एक मिनट डेल्टा प्लस, इसको प्लस रहेगा, ठीक है? सो बी एच थ्री, तो ये फिर इसको ऐड हो जाएगा नीचे वाले को सी एच टू, तो ठीक है एक मिनट रुको, चलो सी एच थ्री बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच एच बॉन्ड बी एच टू, अभी ये जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है क्योंकि बी एच थ्री के पास जो है कितना हाइड्रोइड है, तीन हाइड्रोइड है, तो वो क्या करता है तीन ये कंज्यूम करता है एल्कीन, इसका मैकेनिज्म अभी बन नहीं रहा मेरे को, जस्ट इसको मैं जरा सॉल्व करके कमिंग सेशन में बताता हूँ, क्योंकि बी एच टू माइनस अगर यहाँ पे बनेगा तो दिस बी एच टू माइनस विल गो टू दिस वन एंड एच विल कम टू दिस, सो फाइनली यू विल बी गेटिंग सी एच थ्री सी एच बॉन्ड बी एच टू बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है? तो ये जो है ये गड़बड़ है, तो ये आपको टू ऑल दे देगा, वन ऑल नहीं देगा, दिस इज गोइंग टू गिव यू द टू ऑल। तो ये एच बी ओ रिएक्शन को जरा ये कर लो, मैं इसको कमिंग सेशन में विद द मैकेनिज्म, रिएक्शन तो यही है इसका, इट ऑलवेज गिव यू वन ऑल, बट इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे को, बताता हूँ मैं कमिंग सेशन में, ठीक है? नाउ इसके बाद जो है ऑलमोस्ट ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने कवर किया है, सात आठ कितना का इसमें से देखो, जो नहीं है वो ऑक्सो प्रोसेस नहीं था, ईथर का क्लीवेज नहीं था और ईस्टर हाइड्रोलिसिस है, आई गेस ये दो नहीं थे, बाकी सब आपको टेक्स्ट बुक के ही मिलेंगे। इसके अलावा भी दो तीन है प्रिपरेशन ऑफ एन एल्कोहल जो लेबोरेटरी में हम लोग कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। एच बी ओ को जरा नोट डाउन करके रख लेना साइड में, कमिंग सेशन में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। सी फर्मेंटेशन करके आप अल्कोहल बना सकते हो, बराबर है? यस और नो? यस, वी कैन डू द फर्मेंटेशन ऑफ एन अल्कोहल एंड वी कैन गेट इट। सो वही जो लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, तो एक ये भी मेथड है प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। एक तो हो गया फर्मेंटेशन, दूसरा हो गया आपका ये क्या बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एन एल्कीन। ये हाइड्रेशन ऑफ एन एल्कीन आपने कर लिया, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, हाइड्रेशन ऑफ एन एल्कीन ये आपका जो है आप घर पे लैब में बैठ के काम कर सकते हो, आप ग्रेन ले लो कुछ भी ले लो अनाज ले लो उसको सड़ा दो वो अपने आप एल्कोहल बन जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जो है ये इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी में क्या फर्क होता है, इंडस्ट्री में जो भी काम होता है वो लार्ज स्केल पे होता है और लेबोरेटरी में हम लोग छोटे स्केल पे काम कर लेते हैं। सो फर्मेंटेशन इज अ लेबोरेटरी एंड दिस इज अ इंडस्ट्रियल, ठीक है? अब फर्मेंटेशन को उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा बट आपको करने के लिए फर्मेंटेशन जैसे कि ये तो बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं हम लोग, जैसे ये ले लो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हाँ, जैसे कि तुम ये ले लो गन्ने का जूस ले लो और उसको क्या करो, उसको लेके लोग ये बनाते ना जैसे कि क्या बोलते हैं उसका नाम नहीं आ रहा यार, बियर, ठीक है? वाइन, वाइन ले लो वाइन, तो वाइन क्यों होती है वो जो ग्रेप्स है मान लो, तो ग्रेप्स को लोग क्या करते हैं ना एक बंद कंटेनर के अंदर रख देते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा ये एंजाइम डाल देंगे, जैसे कि मान लो लोग डाल देंगे ये अपने पास ये होता है ना अमाइलेज, ठीक है, या फिर जाइमेज, जाइमेज डाल देते हैं जाइमेज,
तो जाइमेज क्या करेगा ना, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा 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 तोड़ेगा, तो उसके अंदर से क्या करेगा, सीओ टू गैस निकालते रहता है निकालते रहता है, तो फाइनली क्या हो जाता है वो एकदम सिंप्लीफाइड सिंपल मॉलिक्यूल, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट है ना ये C6H12O6 है, ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज के अंदर जब आप ऐड कर दोगे एंजाइम लाइक एज आई टोल्ड यू अमाइलेज, या फिर आप डाल दो उसके अंदर जाइमेज, तो ग्लूकोज के अंदर अपन शायद जाइमेज डालते हैं, हाँ, तो ये जाइमेज एंजाइम क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करके क्या बना देगा, C2H5OH, और उसके साथ साथ में वो क्या करेगा, बबल्स निकालता रहेगा CO2 का, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है ये फर्मेंटेशन है, ये कोई एक दिन का रातों रात का प्रोसेस नहीं, ये महीनों सालों चलता है, तो ये काम आप कर सकते हो। तो बोलने का मतलब ये भी एक मेथड है, प्रिपरेशन है अल्कोहल बनाने का, बट ये इतनी जल्दी नहीं होता है, और इसमें कैसा है बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं लगती, इट इज़ लाइक होममेड है, बट टाइम लगता है इसमें। तो फर्मेंटेशन इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कोहल अलॉन्ग विद द वन विच वी हैव स्टडीड एबो। हाइड्रेशन ऑफ एन एल्किन इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ गेटिंग इन अल्कोहल, ये अपन ने पढ़ा है, समझ में आ रही बात? यस। ओके, सो ये हो गया प्रिपरेशन, मैंने कवर कर लिया है आपका अल्कोहल का। अब इसके बाद जो आएगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, ठीक है, तो फिनॉल के दो तीन एग्जांपल्स मैं पहले बता दूंगा, फिर मैं प्रिपरेशन के ऊपर जाऊंगा। किसी को कोई डाउट है अल्कोहल का, एक्सेप्ट द एचबीओ, एचबीओ का मैं विद द मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, बिकॉज वो थोड़ा सा फेवरेट क्वेश्चन है। बोलिए, कोई डाउट है तो मैं इसको कवर अप करूं, अदरवाइज आई विल गो ऑन द सर। हाँ बोलिए। एक दूसरा डाउट है सर, हेक्सेन हेक्सेन है और ऊपर बीआर और नीचे क्लोरीन है दोनों साइड में। एक मिनट रुक, साइक्लोहेक्सेन है कि हेक्सेन है? साइक्लोन है, हेक्सेन है सिर्फ। हाँ, ऊपर बीआर है नीचे सीएल है, मतलब ये साइड बीआर इधर सीएल, टर्मिनल पे साइड सीएल टर्मिनल पे। हाँ, और उसको मैग्नीशियम और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, मैग्नीशियम विद टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और हीट प्रोडक्ट क्या मिलेगा कुछ है? एक दो तीन चार पांच, वन टू थ्री सर, मतलब ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे एक बॉन्ड के जगह बी और सीएल लगाया है, ये दिया तुमको ऑप्शन में? हाँ दिया है, ये आंसर है। कैसा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये एक डॉट इधर देगा एक डॉट इधर देगा, ये बेसिकली तुम्हारा जो है ना फ्री रेडिकल फॉलो करता है, दोनों को ज्वाइन कर देता है अपना। ये जो है मेटल है ना, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, देगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, यस, तो ये यहाँ से टूटता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है। देखो कंडीशन के हिसाब से मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, मतलब कैसा है कि अब क्या बोलते हैं इसको, दो चीज़ों से क्वेश्चन को क्रैक किया जाता है, या तो उसको आंसर मालूम है, या तो आप उसके MCQ में से ये करो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन फॉलो करके क्वेश्चन को क्रैक करो। तो यहाँ पे कैसा है, जो तुमने बोला ना, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ा है, मैंने सॉल्व किया है, मैंने देखा है कंसेप्ट, तो मेरे को मालूम है इसका आंसर क्या बनता है। तो ये रेडिकल फॉलो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये एमजी भी देता है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एमजी को ये बीआर चिपक लेगा, क्योंकि एक एमजी के पास दो हैलोजन कनेक्ट हो सकता है, तो एमजी जो है एक बीआर को चिपका लेगा और एक सीएल को चिपका लेगा, और ये डॉट और ये डॉट आपस में कंबाइन होकर बन जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है? यस सर, ठीक है। तो ये सब हिमांशु पांडे की बुक के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है, चलो। तो मैं क्या बता रहा था, मैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का बात कर रहा था, ठीक है, टाइम भी हो गया, और कोई डाउट है तो पूछो, फिनॉल का मैं कमिंग सेशन में स्टार्ट करूंगा। और जो डाउट आप लोगों ने भेजा है ना मेरे को, वो थोड़ा शाम तक मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि कॉलेज का लेक्चर स्टार्ट हो गया ना, तो उसमें बहुत टाइम पास बहुत रहता है, पढ़ाना कम रहता है देखना ज्यादा रहता है। सर, एक कंपाउंड पे दो फंक्शनल ग्रुप दिया रहेगा, तो ज्यादा प्रायोरिटी, मतलब उसमें भी प्रायोरिटी रहता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन पहला होगा बाद में दूसरा होगा? एग्जाम्पल बोलना चाहिए।